तो सबसे पहले राम लड्डू बनाने के लिए हम ये मूंग दाल का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो धुली हुई मूंग दाल ले सकते हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप छिलके वाली मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये चना दाल है और इसकी क्वांटिटी रहेगी 2 भाग मूंग दाल और 1 भाग चना दाल। और ये अदरक और हरी मिर्च, इनका हमने पेस्ट बना लिया सबको मिलाकर, और इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में आपने फेंटना है। और इसको चेक करने के लिए आप एक बाउल में पानी डालेंगे और उसमें बैटर डालकर देखेंगे, अगर बैटर नीचे बैठ गया है तो ये अभी रेडी नहीं है, इसको दोबारा से फेंटेंगे। याद रहे इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। और ये देखिए मैंने इसको दोबारा चेक किया है तो बैटर ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि बैटर रेडी है हमारे राम लड्डू बनाने के लिए। तो हम एक एक राम लड्डू को कुछ इस तरीके से मीडियम हॉट ऑयल में छोड़ते जाएंगे। याद रहे ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, आपको मीडियम हॉट ऑयल में ही इसको पकाना है, जिससे कि ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से पक जाएंगे। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी आप बैटर इसमें डाल सकते हैं। एंड ये देखिए धीरे धीरे ये अपने किनारे छोड़ रहे हैं और फिर ये पलटने के लिए रेडी हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये पूरे बन चुके हैं, जब तक ये आप ऑयल में थोड़े थोड़े ये झाग देख रहे हैं, जब ये झाग आने बंद हो जाएंगे इसका मतलब होगा कि ये अंदर तक पक चुके हैं। अपनी सारी राम लड्डू को पलट के भी पका लेंगे। ये देखिए झाग दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये झाग बंद हो जाएंगे और हमारे राम लड्डू अंदर तक पक चुके होंगे। तो इस तरह हिला हिला कर इनको सब साइड से सेक लेंगे। देखिए मैं आपको एक पीस थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुके हैं। एंड मैंने इसमें सोडे का यूज नहीं किया है। ये हमारे बनकर रेडी हैं। इसी तरीके से हमने बाकी सारे बैटर के राम लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। एंड उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमें इसकी चटनी रेडी करनी है। तो इस तरीके से हम सारे राम लड्डू रेडी कर लेंगे। मैंने ऑयल कम यूज़ किया है इसलिए मुझे थोड़े थोड़े बनाने पड़ रहे हैं। अगर आप फ्लैट पैन का यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे एक साथ बन जाएंगे।
तो ये अब मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पर और ये मैंने मूली उगाई हुई है। तो फ्रेश फ्रेश अपने मूली के पत्ते लेंगे हम। इस डिश में मूली के पत्तों का काफ़ी अहम रोल होता है। मूली के पत्ते का पेस्ट आप बैटर में भी डाल सकते हैं एंड इसको मूली के एंड पालक के पत्तों की ही इसकी चटनी बनेगी। और ये है पालक, इसकी ग्रोइंग वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। कुछ पत्ते हम पालक के ले लेंगे। एंड इसमें हमने मूली के पत्ते, थोड़ा सा धनिया पत्ता, पालक के पत्ते एंड ग्रीन चिली एंड जिंजर और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, इन चीज़ों से हम इसकी चटनी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने चटनी रेडी कर ली है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और ये है थर्ड प्रोसेस, ये सैलेड के लिए मैंने मूली ग्रेट की है, धनिया पत्ता एंड मूली के पत्ते, ये हम ऊपर से इस पर डालेंगे। तो हम इसको स्ट्रीट स्टाइल में ही सर्व करेंगे। थोड़े से राम लड्डू रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमने जो चटनी रेडी की है उस चटनी को डालेंगे। आप चाहें तो इसमें दही का भी यूज़ कर सकते हैं, दही बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये हमने इसके ऊपर चटनी डाल दी है। इसके बाद हम ग्रेट की हुई मूली डालेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। चाहे तो आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। एंड ये है मूली के पत्ते और थोड़ा सा धनिया पत्ता सबसे ऊपर। और ये देखिए आपके राम लड्डू बनकर रेडी हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।